15 अगस्त 2024 राहुल जी तिरंगा फहराएंगे लाल किले। हम तो तोबा तोबा करते हैं बाबा मेरी तोबा, ऐसा प्रधानमंत्री में तोबा मेरी तोबा, इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री ना हो, तोबा मेरी तोबा, तोबा भाई तोबा, हमें ऐसे नहीं चाहिए प्रधानमंत्री। आपने हिंदू हिंदू लगा रखी है, आपने हिंदू हिंदू लगा रखी है ना, ये जो जुमलेबाजी है ना, जुमलेबाजी जो आप करते हो जैसे भी है वो मत करना। मैं सीधा सारा आदमी साफ स्पष्ट जैसा तुम्हें बात कर, भारतीय जनता पार्टी यात्राएं निकाली जाती हैं, बंदूक लेकर यात्राएं निकाली जाती हैं, बंदूक लेकर यात्राएं निकाली जाती हैं, तलवारें लेकर यात्राएं निकाली जाती हैं। लोग कह रहे हैं ढोंगी ढोंगी, आप मोदी मोदी कह रहे हैं, मोदी जी सबसे बड़े झूठ बोलते हैं, कितनी बार झूठ बोलते हैं, दिन में पता नहीं कितनी बार झूठ बोलते हैं, मुझे बताया, मैंने अमित शाह को बताया, अमित शाह ने मोदी जी को बताया, यही चलता रहता है। तू मैं तू मैं साहब, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप जैसे लोगों के लिए, खट्टर साहब देंगे कुंवारे 45 से 60 साल के जो कुंवारे हैं उनको पेंशन मिलेगी, अब हरियाणा सरकार देगी। तो केंद्र सरकार पेंशन बंद क्यों कर रही है, केंद्र सरकार लोगों की पेंशन क्यों बंद कर रही है, खट्टर साहब ने पूछा मोदी जी से, मोदी से पूछा? अरे आप खुशी होनी चाहिए, किस बार खुशी, ना मैंने सुना ना मैंने देखा, 45 से 60 साल के जो कुंवारे हैं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ना पेंशन मिलेगी, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोगों की पेंशन बंद कर रही है, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रही, रेलवे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रही, तो ये किसको पैसे दें, किसको बरकरार दें? पूछते रहते थे ना क्योंकि विकास विकास, आप मुझे एक चीज बताओ, विकास की बात है। देखो मैं तो सीधी बात करता हूँ, 15 लाख मिले मिले 15 लाख मिले, सबर करो, किसको मिलेंगे, मिलेंगे आपको मिले, मिलेंगे आपको मिले, तीसरी बार मोदी जाएंगे आपको मिले, मोदी जी नहीं आने वाले, ये आप जुमलेबाजी रहने दीजिए। देखिए आपको एक चीज मैं बताऊं, ये जितनी जुमलेबाजी, झूठ बोलना है, झूठ पे झूठ बोलना, ये इनकी नीतियां हैं, इनकी कोई भी काम ऐसे नहीं हुए जो लोग इनकी तारीफ करें, जहाँ भी ये इनके कोई काम, नीति है नहीं, अनीति योग है इनका, कोई नीति आज तक इनके पास हुई नहीं, ना इन्होंने कोई नीति स्पष्ट करी, दो लोगों का राज है, मोदी जी अमित शाह को बोलते हैं, अमित शाह मोदी जी को बोलते हैं, बाकी किसी को पता ही नहीं डिसीजन का क्या है क्या नहीं, इनके किसी दल के किसी लोगों को नहीं पता क्या डिसीजन है क्या नहीं, मैं दो लोग ही हैं, ये दो लोग ही आपस में तू मैं तू मैं तू मैं तू मैं करते रहते हैं, तो मैंने तुम्हें बताया, तुमने मुझे बताया, मैंने अमित शाह को बताया, अमित शाह ने मोदी जी को बताया, यही चलता रहता है ना, तू मैं तू मैं तू मैं। लोकप्रियता पर क्यों नहीं आप लोग, कोई लोकप्रियता घटी, कोई लोकप्रियता नहीं है, कोई लोकप्रियता नहीं, लोकप्रियता राहुल जी की बड़ी है, लोकप्रियता आज देश में राहुल जी की बड़ी है, लोगों को विश्वास हो गया कि कांग्रेस जो कहती है वो सच कहती है, ये जो कहते हैं झूठ कहते हैं, ये झूठ की बुनियाद पर चलते हैं, कांग्रेस सच की बुनियाद झूठ बोल रहा है, यही मोदी सरकार, राष्ट्रवादी मोदी जी, लोगों पर उंगली उठा रहे हैं, ये मोदी जी सबसे बड़े झूठ बोलते हैं, कितनी बार झूठ बोलते हैं, दिन में पता नहीं कितनी बार झूठ बोलते होंगे, अमित शाह जी दिन में कितनी बार झूठ बोलते होंगे, पूरा भाजपा शासन ही झूठा है, अच्छा पूरा भाजपा शासन ही झूठा है, इनसे झूठ है, इनमें दूध की धुली है, ऐसा है कहते ना वो पहले मजदूर होते थे, मजदूर मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी कम मिलती थी, जैसे खंबे हमने सुना था, तो पहले मोदी जी के राज में मजदूर नहीं है, नहीं सुनिए, मजदूरी खत्म कर दी गई ना उनकी, मजदूरी है, वो पहले लगाते थे ना जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा, मशीन में डालो हईशा, सर्फ डालो हईशा, भ्रष्टाचारी डालो हईशा, बाहर निकालो क्लीन हो गया हईशा, भाजपा वाशिंग मशीन, सुना ना, तो पहले लोग करते थे जोर लगा के हईशा, लोग डेवलपमेंट हो गया, मोदी जी डेवलपमेंट कर दिया, ये झूठा, वो मोदी जी बोलते हैं मैंने पास कर दिया, कहते हईशा, मैं झूठ बोल दिया हईशा, चोर से झूठ बोलो हईशा, बार बार बोलो हईशा, ये झूठ ही बोलते हैं, सच से उन्होंने नजदीक है ही नहीं सच के, ये सच के नजदीक नहीं है कहीं भी, कहीं नहीं है सच के नजदीक, इस झूठ की बुनियाद पे देश को खड़ा करना चाहते हैं, तो 9 साल को मोदी मोदी कर रही है, मोदी की ढोंगी ढोंगी कर रही हैं, आप कह रहे हैं मोदी मोदी कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं ढोंगी ढोंगी, आप मोदी मोदी कर रहे हैं, 9 साल बर्बाद कर दिया इस देश को, 9 साल में बर्बाद हो गए, 9 साल में आज लोग रो रहे हैं, इतने इतने आंसू लेकर 9 साल इन्होंने आंसू दिए लोगों को, खुशी तो दी नहीं कोई, मणिपुर के लोग रो रहे हैं, जल रहे हैं, 160 लोग मर गए, हरियाणा में आग फैला दी है, कहीं इनका शासन नहीं, शासन छीन लो, पैसे दे दो, शासन को छीन लो, है क्योंकि ये डेमोक्रेसी में ये चीज़ें नहीं चलती, हरियाणा में जो घटना हुई है उस असलियत को आप क्यों नहीं, असलियत में नहीं जाते हो आप, असलियत आपके भाजपा लोगों ने करी, इसको बोलिए, इसको बोलिए कि भाजपा शासन के राज में हरियाणा में भी आग फैल गई है, एक जो आदमी हत्या करता है वो घूम रहा है टेलीविजन में इंटरव्यू दे रहा है, बुलडोजर उसके घर में नहीं जाता, बुलडोजर का रास्ता नहीं उनको पता, और निर्दोष लोग पकड़े, क्या ये मोनू मानेसर, मोनू मानेसर है कोई देशभक्त है, मर्डर आदमी को तुम कह रहे हो हैं, गिरफ्तार नहीं किया गया, पुलिस वहां रहती तो ये घटना नहीं होती,
ये सारी सरकार का निकम्मापन, ये सरकार का निकम्मापन, हरियाणा सरकार का बिल्कुल निकम्मापन। जो भोले भाले श्रद्धालु थे भगवा यात्रा निकाल रहे थे शांति पूर्वक और पत्थर लोगों ने फेंके, वो हम बात नहीं बता रहे हो। तलवार लेके चलते हो क्या? तलवार लेके यात्राएं निकाली जाती हैं, बंदूक लेके यात्राएं निकाली जाती हैं, बंदूकें लेके यात्राएं निकाली जाती हैं, तलवारें लेके यात्राएं निकाली जाती हैं। अरे धर्म क्या कहता है? धर्म बचाओ, धर्म क्या है, हिंदुओं को जगाओ। धर्म क्या कहता है? हाँ। हिंदू सोया हुआ क्या है? हिंदू सोया हुआ। सरकार किसकी है? नहीं, हिंदू खतरे में था बंगाल में। सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है, 9 साल से हिंदू खतरे में है। वो 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हिंदू खतरे में है। अरे क्या बात कर रहे हो, इसका मतलब इनको शासन चलाने नहीं आता। झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, हैं तानाशाही लोग हैं, लोकतंत्र को मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं, मनमानी करते हैं, तानाशाही करे हुए हैं। 2 आदमियों की चल रही है। इनके जो लोग हैं ना 24 में भाग जाएंगे, धर्म भाग जाएंगे। को भी बचाना जरूरी है, पहले देश बचाओ रमाशंकर जी। देश बचेगा तो धर्म बचेगा, देश सबसे पहले है। तो देश बचेगा, पहले देश बचेगा, देश धर्म बचेगा, देश बचेगा तो धर्म बचेगा, देश पहले तो धर्म। आप बताइए धर्म पहले या देश पहले, बताओ। आप पत्रकार है ना, बताइए देश पहले या धर्म पहले। आप बताइए, आप पत्रकार है, देश पहले या धर्म पहले, ये बताओ। ठीक है, नहीं नहीं, आप एक चीज बताइए, देश पहले या धर्म पहले? धर्म की रक्षा करना गलत है। देश पहले, पहले देश की रक्षा करो, पहले देश को बचाओ। देश बचेगा तो धर्म बचेगा, इंसान बचेगा, समझ गए? ये काम करिए, देश को बचाओ, भगाओ इन भाजपा को, देश बचाओ, भारतीय जनता पार्टी को भगाओ। ले जाएंगे लगता है, गुलामी से हमने आज़ाद कराया देश को। 70 साल हमने गुलामी जिया ना, शासन दिया। ये अंग्रेजों के मुखबर थे, मालूम है आपको, ये अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, माफिया मांगते थे। हमने आज़ाद कराया, हम 9 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं। 9 साल विनाश की बात करो, 9 साल इस देश में विनाश विनाश हुआ, ये बात करिए आप। सीधी बात करता हूँ, जहाँ ये जिनके पैर पड़ेंगे विनाश ही विनाश है, जहाँ इनके कदम पड़ेंगे विनाश विनाश है, जहाँ राहुल जी के कदम पड़ेंगे दुआ साथ चलती है, दुआ दुआ साथ चलती है। मोदी जी बदलाव कर रहे हैं। हाँ, बड़ा अच्छा बदलाव है, बड़ा अच्छा बदलाव देखा मणिपुर में आपने, बदलाव देखा ना, स्त्रियों को नग्न घुमाया जा रहा है, देखा ये बदलाव? वही नफरत की आग मेवात में आ गई, देखा बदलाव? वही मोनू मां से हत्या करने वाला घूम रहा है, कितना अच्छा बदलाव है। निर्दोष लोगों के घर पे बुलडोजर चल रहे हो, बड़ा अच्छा बदलाव है। कोई यात्रा नहीं निकालेगा। अच्छा 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 अच्छा, कोई मंदिरों में नहीं जाएगा। अच्छा देखो, अल्लाह अकबर नहीं बोलोगे? अल्लाह अकबर नहीं बोलोगे क्या? अल्लाह अकबर बोलो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह बोलो। जय श्री राम बोलो। क्यों बोलो? बोलते सारे लोग बोलते हैं क्या? जय श्री राम बोलने से क्या हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा? श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है? जय सीताराम बोलने से क्या है? क्या वो आपने देशभक्त हो जाता है? जय श्री राम बोल देशभक्त हो जाता है? हैं, हमारे मन में है, भगवान बसते हैं हमारे मन में, है देश बसता हमारे मन में, सारे धर्म हमारे मन में बसते हैं। आप जितने भी धर्म देख लीजिए, उनके जितने भी आप उठाइए, उनमें ज्ञान भरा हुआ है। आप ज्ञान भरा हुआ है, गीता देखिए, गीता का उदय देखिए, सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, गीता में ज्ञान है ना, है ना, महाराज गुरु ग्रंथ साहब में ज्ञान है ना, बाइबल में ज्ञान है ना, कुरान में ज्ञान है ना, वो पढ़ो ना, वो पढ़ो। इनके पीछे क्या जाना? ये तो नफरत की आंधी, नफरत की बातें इनकी जुबान पे, जो है ना बात 32 दांतों में जो जुबान है ना इनकी जुबान, वो इनकी जुबान बड़ी नफरती जुबान, नफरत जाना नहीं है। हिंदू जागा हुआ यार, किस बात की हिंदू मारो? आप हिंदुस्तानी क्यों नहीं बोलते, भारतीय क्यों नहीं बोलते? बोलो ना, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ, इस देश का रहने वाला हूँ। ये क्या आपने हिंदू हिंदू लगा रखी है? देश को आज़ाद कराया सिखों का, उसमें योगदान रहा आज़ादी, हिंदू मुसलमान सब ने अपना योगदान दिया, इस देश में रहने वाले सभी लोग, सबका देश। मोदी जी का धन्यवाद करिए। अरे देश में नफरत का जहर घोल रहे हो, नफरत का जहर घोल रहे हो, वो हमें नहीं चाहिए। लेकिन आएंगे मोदी जी, कुछ आएंगे राहुल जी जाएंगे, मोदी जी ये बोलिए, आएंगे राहुल जी जाएंगे मोदी जी, समझ गए? ये जितना इन्हें उड़ान भरने थे ना आसमान पे, उड़ के हम नीचे गए, क्योंकि ऊपर बैठने की जगह ही नहीं है, घबरा गए। इनकी जो पतंग है ना, राहुल जी ने बो कटा कर दी, पतंग उड़ाई थी ना राहुल जी ने, बो काटा कर दी, तुमका ऐसा मारा राहुल जी ने, बो काटा हो गई पतंग इनकी। दिन में सपने देखना छोड़ो, सपने आपको ये दिखा रहे थे, जुमलेबाजी दिखाए ना, सपने देखे ना आपने, रो रहे हो। बैंक में पैसा जमा कराने जाते हो तो आपकी जेब से लिया जाता है, लेने जाते हो तो आपकी जेब से लिया जाता है, GST टैक्स देते हो, दूध पनीर पर टैक्स देते हो, क्वांटिटी चीज़ों की कम हो गई, टमाटर 250 रुपये किलो लेते हो, अदरक 400 रुपये किलो लेते हो, सिलेंडर 1200 रुपये किलो लेते हो, ये है इनका शासन। सुना था कांग्रेस से राज में ऐसे मिल लिया आपने 1200 रुपये का सिलेंडर? मोदी जी जाएंगे, मोदी जी बोलिए, शुभ शुभ बोलिए, आएंगे राहुल जी 15 अगस्त 2024, राहुल जी तिरंगा फहराएंगे लाल किले पे।
15 अगस्त 2024 आज अपने कैमरे में नोट कर लो इस फ्रेम में, अरुण मलिक जी ने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, 15 अगस्त 2024 राहुल जी लाल किला पर तिरंगा फहराएंगे। जय हिंद, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद।